अरे यार मेरे ये तो कुछ भी नहीं है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा ना। हाँ यही तो इस दुनिया का दस्तूर है, और हम इस दुनिया के दस्तूर के दायरे में रहकर ही जीना चाहते हैं। ये हुई ना बात, मतलब हमारी बात। इधर तो कोई भी नहीं है, लगता है मैंने सपना देखा। बापरे, अरे बापरे, ए, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने देखा वो सपना था कि सच? सपना सपना था ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा, सपना था, लेकिन बहुत बहुत डरावना था। बापरे, देखो देखो, मुझे लगता है यहाँ कोई आने वाला है। आप, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप नहीं, तुम, क्योंकि मैं तो तुम्हें तुम ही कहने वाली हूँ। रहा सवाल पहचाने का, तो तुमने मुझे भले ही ना पहचाना हो, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया है। तुम विशाल हो, मुंबई से आए हो, अपनी बहन ईशानी और जीजाजी रोहन गुप्ता का पता ढूंढ रहे हो, 7 साल के बाद आए हो तुम यहाँ। ये सब आपको कैसे मालूम? फिर आप, अगर तुमने ये आप का नारा नहीं छोड़ा तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मुझे ये सब कुछ कैसे मालूम है, और तुम्हारे जीजा जी का पता भी नहीं बताऊंगी। अच्छा, मैं आपको तुम बोलूंगा, तुम मुझे। तुम नहीं, रुचि, रुचि नाम है मेरा, रुचि। कुछ याद आया? रुचि, रुचि, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, पिछली बार देखा था तो तुम। तब मैं स्कूल में थी, अब कॉलेज में हूँ। तुम भी तो बहुत बदल गए हो, फिर भी मैंने तुम्हें पहचान ही लिया। I'm sorry, I'm very sorry. क्या है, मैं इतना परेशान था, मुझे कोई जीजा जी का पता ही नहीं बता रहा था। जिसको भी पूछो तो घूर के भाग जाता था। 7 साल बाद आया हूँ, तुम ही मुझे जीजा जी का पता बताओ। लो, हम अपनी मंजिल पर आ भी गए। वो सामने वाला तुम्हारी बहन का घर और वो बाजू वाला मेरा। अब तो तुम यहाँ ही हो, मिलते रहेंगे। बाय। ओके, थैंक्स। मुझे मालूम था तुम आओगे, जरूर आओगे, और आ गए। और मालूम था आने के बाद बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में उठेंगे, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब सिर्फ मैं दे सकती हूँ, मैं। हाँ, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो आना, हाँ, फुर्सत लेके आना। हाँ, इत्मीनान से बातें करेंगे, तुम आना। हाँ, मैं जवाब दूंगी, सिर्फ मैं दूंगी। विशाल, अरे विशाल, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो, वरना मैं तुम्हें लेने आ जाती। अरे नहीं दीदी, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। मैं तो बच्चा थोड़ी हूँ कि घर नहीं ढूंढ सकूं। मालूम है, पापा कैसे हैं? मजे में हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। नमस्ते अंकल। वेलकम वेलकम, बहुत सालों के बाद आए। ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं? हाँ जी, कोई खास नहीं, वो रुचि मिल गई थी, वो यहीं घर तक छोड़ के गई। अच्छा, तो वो बदमाश को पता चली गया कि तुम आ गए हो, अब रोज तुम्हारा सर खाया करेगी। वो तो उसके बचपन की आदत है। बिट्टू कैसा है, वो हॉस्टल से घर कब आ रहा है? अरे अभी तो उसके एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द छुट्टी लगने वाली है, तब रोहन और मैं खुद उसे लाने जाएंगे। मैंने रोहन को कह दिया कि जल्द से जल्द वापस आ जाओ, लेकिन अभी तक वापस नहीं आ रहे वो। बेटा ईशानी,
तुम इसको यहीं खड़ा रखोगी? थक गया होगा भाई, इतनी दूर से आया है। जाओ आराम करने दो और उसे उसे कमरा दिखाओ। जा चलो, मैं उठाऊं? मैं उठाता हूँ। चलो अंकल, आपको अभी भी अपना खेल याद है जब आप सिर्फ गिनती से हमें छिपा छिपी में पकड़ लेते थे? बेशक, हम अभी भी गिनती से आपको आपका कमरा बता सकते हैं। तो बताइए। तो यहां से पीछे मुड़ो, फिर उसके बाद चार कदम आगे, और फिर उसके बाद चार स्टेप्स नीचे जाओ, और 10 कदम आगे बढ़ो, और बाईं तरफ तुम्हारा कमरा, अंदर चले जाना। वाओ अंकल, ये हुई ना बात। मैं कितनी बार बताया कि यहां मत खड़ी रहो, जो मना करता हूँ वही तो करती है। अगर दोबारा तू यहाँ नजर आई तो तेरा बहुत बुरा हश्र होगा। मुझे मारना नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मरने से बहुत डर लगता है मुझे। मौत का डर किसे नहीं होता? मौत ही एक ऐसी चिड़िया का नाम है कि कब किस वक्त उड़ जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगर तू दोबारा यहाँ नजर आई तो तेरी चिड़िया भी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे बहुत जीना है अभी, बहुत काम करने है अभी, मुझे नहीं मारना। नहीं, मैं नहीं खड़ी हूँ, कभी नहीं खड़ी रहूंगी, कभी कभी नहीं खड़ी रहूंगी। विशाल, 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 अब तो तुम्हें वही खाना पड़ेगा जो तैयार है, लेकिन शाम से वही बनेगा जो तुम्हें पसंद है। थैंक यू दीदी। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। ये तुम कह रहे हो, लेकिन बाकी सब लोग कहते हैं कि रोहन के जाने के बाद मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। अब तुम ही कहो, मैं क्यों बदलूंगी? और रोहन हमेशा के लिए थोड़े गया है, थोड़े ही दिनों की बात है। लेकिन एक बात बताऊं, अब रोहन से एक पल की दूरी भी एक जन्म की दूरी जैसा लगता है। जीजा जी तुमसे बहुत प्यार करते थे। थे का क्या मतलब? करते हैं, रोहन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बिट्टू से भी ज्यादा। तुम्हें यकीन नहीं आता? 2-4 दिन इंतजार कर लो, उनके वापस आते ही तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। दीदी जी, कोई गलतफहमी नहीं है, मैं जानता हूँ जीजा जी तुम्हें जी जान से प्यार करते हैं। मैं भी तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया। अरे हिप्नोटिज्म? हाँ, तुम्हें पसंद है ना, इसलिए बाबूजी ने भेजी है। पर मुझे समझ में नहीं आता, ऐसी किताबें पढ़ के तुम्हें क्या आनंद मिलता है? आनंद नहीं दीदी, जानकारी। हाँ, जानकारी मिलती है इसलिए तुम पढ़ते हो, और बाबूजी इसलिए पढ़ते हैं कि वो ठहरे साइकोलॉजी के प्रोफेसर। बहुत अच्छी किताब है, इसमें सब कुछ लिखा है। फ्रेंज एंटन मेस्मर, कैसे उसने हिप्नोटिज्म की शुरुआत की, कैसे उसने अपने शरीर के अंदर के मैग्नेटिक पावर को जाना, और कैसे इस पावर को डिवेलप किया जाता है। अलग अलग शहरों में लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, मैजिशियंस अपने शो में इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि रास्ते पर होने वाले खेल उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इट्स अमेजिंग। मुझे पता था ये किताब तुम्हें बहुत पसंद आएगी, और इसीलिए मैंने खास तौर से तुम्हारे लिए मंगवाई। आपके पास हिप्नोटिज्म में बहुत सी चीजें होंगी। हाँ बेटा, 25 साल यही सब तो करता रहा, बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाता रहा, सिखाता रहा, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। जब से रिटायर हुआ हूं ना, तब से सब बंद कर दिया। अब तो थोड़ा वक्त ईशानी और बिट्टू के साथ गुजारना चाहता हूँ। रोहन का तो पता नहीं वापस आएगा भी कि नहीं। खैर, चलो अंदर चलते हैं। अंकल, लेकिन जीजा जी गए कहाँ? आपका खत मिला तो पापा और मैं तो टेंशन में आ गए थे। यहाँ ईशानी की हालत देखकर जी और भी घबराता है। रोहन अपने बॉस के साथ बाहर बिजनेस टूर पर जाने वाला था। उसी दिन शाम को मैं और ईशानी डॉक्टर के पास गए। वहां से जब लौटे तो रोहन और आकाश का कोई पता नहीं।
उसके अचानक गायब हो जाने से ईशानी परेशान हो गई। कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस उसी दिन से उसका इंतजार कर रही। कुछ दिनों तक तो मैंने भी इंतजार किया, लेकिन जब 2 महीने गुजर गए बेटा तो मैं डर गया। आखिर रोहन बेटा है मेरा। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ किया था, लेकिन उनके पास भी उसका कोई जवाब नहीं। क्या ईशानी दीदी को मालूम है पुलिस? नहीं नहीं बेटा, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, और इंस्पेक्टर साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि ईशानी को कुछ ना बताए। वैसे उसकी हालत ठीक नहीं है, अगर उसे ये पता चल गया कि पुलिस तहकीकात कर रही है तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और न जाने क्या क्या सोचने लगेगी। और इसीलिए मैंने तुम्हें खत लिखकर यहां बुलाया है कि तुम उसका कुछ दिल बहला सको। देखो बेटा, तुम भी पुलिस के बारे में उसे कुछ मत बताना जब तक कि रोहन का पता नहीं चल जाता। अजीब बात है जीजा जी, ईशानी दीदी को बगैर बताए मुंबई तक नहीं आते थे, और अचानक कहां चले गए? इस सवाल का जवाब तो हम भी अब तक ढूंढ रहे हैं कि कहां चला गया बगैर बताए। तुम चोरी छुपे हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? अंकल अंकल, ये तो वही है जो कल उस सामने वाली गुड़िया के साथ खुसर पुसर कर रहा था। बताओ कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे बेटा बेटा, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ये माली है, हमारे बगीचे में काम करता है। पर अंकल, इसे पहले कभी तो देखा नहीं? हाँ पहले नहीं था, लेकिन पिछले 5 साल से है। हमारे कॉलेज में काम करता था, गार्डनिंग करता था, रिटायर हुआ तो मैंने रख लिया। माली चाचा, सोचती हूँ यहाँ पे गुलाब लगाए, लग जाएगा इस मौसम में? हाँ लग जाएगा, लेकिन फूल आते आते कितने महीने लगेंगे? 4-6 महीने तो लग जाएंगे। इतना वक्त लगता है? अच्छा यहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक बेल लगाओ जो इस वॉल पे पूरी फैल जाएगी। अरे अरे अरे, क्या हुआ? इस बच्ची को, आई मीन इस रुचि को कुछ समझाओ ना। ये मुझे बहुत तंग कर रहा है दीदी। तुम बच्चे नहीं रहे जो इस तरह से लड़ रहे हो। लड़ना है तो बड़ों की तरह लड़ो, और अगर वक्त मिले तो थोड़ी मेरी भी मदद कर देना। मैं मदद करती हूँ, बता दीदी क्या करूँ? तुम ना मेरे साथ। रुचि को मदद करनी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या मदद करे। रुचि क्या होगा तुम्हारा? तुम मुझे परेशान मत करो, मैं दीदी से बात कर रही हूँ। अरे दीदी, सारी गार्डनिंग रुचि से करवाओ। अरे माली काका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ, जस्ट रिलैक्स। आज से हमारे पास एक नई माली हाजिर है। दीदी। हाँ हाँ माली चाचा, आप जाइए, देखती हूँ मेरी भी कितनी ये लोग मदद करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब तक तुम लोगों का झगड़ा पूरा होगा ना, तब तक मेरा काम भी पूरा हो जाएगा। अरे डोंट वरी दीदी, मैं ये सारा काम रुचि से करवा सकता हूँ। ए, मेरी मर्जी के बगैर कोई भी मुझसे कुछ नहीं करवा सकता। मैं करवा सकता हूँ, हिप्नोटाइज करके। ओ माय गॉड, अभी तक तुम्हारे दिमाग से वो हिप्नोटिज्म का भूत नहीं उतरा। पता है ना, पिछली बार तुमने 1 घंटे तक बिठा के रखा था। हाँ लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उससे भी बदतर हालत होगी। शर्त लगी? लगी। देखा, मेरा हाथ बटाने के बजाय आपस में लड़ने लगे। अरे दीदी बस 5 मिनट, 5 मिनट में हमारी नई माली तुम्हारा सारा काम करेगी। तुम बस इस लॉकेट की तरफ देखो, मेरी आवाज पर ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट। देखो आसपास का माहौल भूल जाओ, तुम्हें सिर्फ मेरे सवाल सुनाई देंगे और तुम इन सवालों का जवाब दोगी। तुम कहाँ हो? मैं रोहन के साथ हूँ। रोहन और मैं साथ साथ हैं। कहाँ हो तुम? रोहन के घर में। तुम वहां क्या कर रही हो? मैं रोहन से मिलने आई हूँ। अगर रोहन को मैं पसंद आ गई तो हमारी मंगनी तुरंत हो जाएगी। आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट की तारीख क्या है?
29 अगस्त 1987। वहाँ क्या हो रहा है? सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश मेरे पापा हैं। रोहन की आंखों में शरारत है, मेरी आंखों में नमी है। सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स खड़े हैं। मेरे ससुर सूरज प्रताप भी बहुत खुश हैं। ना खुश है तो एक नन्ही सी जान, मेरा छोटा भाई विशाल। वो ना खुश क्यों है? उस नन्ही सी जान को ये लग रहा है कि शायद मेरी दीदी मुझसे दूर जाने वाली है। शानी, कॉन्सेंट्रेट, शांति से मेरी आवाज सुनो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम बहुत खुश हो। ईशानी, ईशानी, can you hear me? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस घर में सारी खुशियाँ मिल रही हैं। रोहन मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे ससुर सूरज प्रताप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। शादी के बाद तुम सबसे ज्यादा खुश कब थी? वो कौन सा दिन था जिसने तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दी? 12 अप्रैल 1992, उस दिन मैं माँ बनी थी और रोहन पापा। उस दिन एक नन्हे फूल ने हमारे घर में जन्म लिया। हमारा बिट्टू आया था उस दिन। विशाल, बस बहुत हो गया, मुझे डर लग रहा है। ईशानी, कम बैक, कम बैक। ईशानी, अरे लगता है तुम लोग अभी तक झगड़ रहे हो और तुम्हारे वजह से मेरा सारा काम रह गया। कितना काम बाकी है? अभी तो मुझे बाबूजी के लिए नाश्ता बनाना है, रोहन का कमरा ठीक करना है, उसकी सारी चीजें सजानी है। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम लोग भी जल्दी आ जाना, समझे ना? विशाल, दीदी को तो कुछ याद नहीं रहा। आपको मैंने उस दिन उस सामने वाली बुढ़िया के घर में देखा था। उस वक्त आप वहां क्या कर रहे थे? आप तो यही रहते हैं ना? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर मैं इस सवाल का जवाब ना दूं तो? नहीं काका, जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत जोर दे रहे हैं, इसलिए बता देता हूं कि उमाई, आप समझ रहे, इतनी भोली नहीं है। लोग कहते हैं वो बहुत अजीब औरत है, वो अपने घर में घुसना चाहती थी। अपने घर में क्यों? वो तो पता नहीं, शायद आपसे मिलना चाहती थी। मुझसे क्यों? वो तो वही जाने, पर मेरा काम है बाहर वालों को अंदर नहीं आने देना। मैं उसे उसके घर छोड़ाया तो वो वही से आपको पुकारना चाहती थी। ठीक है, अच्छा मैं बाजार होके आता हूँ, अंकल को बता दीजिएगा। ठीक है। चौवा, तुम आ गए। तुम यहाँ? हाँ, तो कहाँ गए थे? हाँ, रोहन के बारे में पूछताछ करने। हाँ, मत जाना, मत जाना, मैंने कहा था ना, मत जाना, कोई कुछ नहीं बताएगा सिवाय मेरे। मैं कोई पूछताछ नहीं कर रहा था। हाँ। मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ, देर तो हो गई है, बहुत देर हो गई है, 2 महीने हो गए, 2 महीने, वो अब तक क्यों नहीं लौटा? तुम किसकी बात कर रही हो? उसी की, रोहन की। कहा था ना, बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन जवाब तो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। देखो, मैं उस दिन आने वाली थी तुमसे मिलने, वो माली ने रोक दिया मुझे। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? क्यों? सवाल है ना, जवाब चाहिए ना। अगर जवाब चाहिए ना तुम्हें, तो वक्त जब मिलेगा तो मुझसे मिलने आ जाना। हाँ, मुझसे मिलने आ जाना, मैं दूंगी सब जवाब। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अरे, तुम अभी तक यही हो?
मैं घर जाकर सामान रख भी आई और तुम? रुचि, ये माई कैसी औरत है? माई बड़ी भली औरत है। जब से उसका बेटा उसे छोड़कर मसूरी चला गया है, तब से थोड़ी सी पागल सी हो गई है। मुझे लगता है ये जीजा जी के बारे में जरूर कुछ जानती है। मुझे इससे मिलना ही पड़ेगा, शायद कोई बात सामने आ जाए। बुढ़िया बाज नहीं आएगी। तुमने पूरी जिंदगी मेरा साथ दिया है, है ना? मेरे हर दुख हर दर्द में तुम मेरे साथ ही रहे हो, और आज तक हर बार मैंने तुम्हें साफ देखा है, लेकिन आज आज तुम धुंधले क्यों दिख रहे हो? शायद मेरी आंखें कमजोर हो गई है, बेटे की याद में रो रो के। लेकिन तुम तो मेरे हो ना, मेरे अपने, मेरा साथी, मेरा साया। देखो आज तक तुमने वही किया जो मैंने कहा, मेरी सारी बातें सुनते रहे तुम, और आज तुम भी कुछ बोलो, बोलो बोलो कुछ। मुझे मत मारो। नहीं, मुझे क्यों मारते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे मत मारो, मुझे भी अपने मेरे बेटे को ढूंढना है ना, ढूंढना है उसे, उसको मिलना है, उसके पास जाना है। मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। पर सर, मैंने अपनी आंखों से माई की लाश को वहां देखा था, खून के धब्बे देखे थे। तो जब हम वहां गए तो हमें वहां कोई लाश नहीं मिली, वो धब्बे भी नजर नहीं आए, और ना ही कोई सबूत बरामद हुआ। तो फिर माई गई कहां? घर में तो है नहीं। तहकीकात के दौरान पता चला कि माई शायद अपने बेटे से मिलने मसूरी गई होगी। अगर आपको इतना यकीन है तो मसूरी में उसके बेटे से क्यों नहीं पूछ लेते कि वो वहां है या नहीं? हमें वहां का पता चलते हम वो भी कर लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? पहले मेरा बेटा गायब हो गया, वो कहां चला गया वो आप आज तक पता नहीं कर पाए, और फिर अब सामने के घर से माई का अचानक गायब हो जाना कुछ अजीब सा लग रहा है। देखिए सर, तहकीकात जारी है, हम जल्द से जल्द रोहन और माई का पता लगा ही लेंगे। माई का पता आप कैसे लगाएंगे? उसे मैंने अपनी आंखों से वहां देखा था। आंखें धोखा भी खा सकती है, अंधेरे में अक्सर आंखें धोखा ही खाती है। रुचि, यहाँ कोई साजिश हो रही है, हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पर ऐसा कौन करेगा? वही तो जानना है। माई मुझे जरूर कुछ बताना चाहती थी, उसे जरूर कोई राज मालूम था, और वो राज मुझ तक पहुंचाए उसके पहले कातिल ने उसका खून कर दिया। मतलब कातिल ये जानता था कि तुम माई से मिलने जाने वाले हो? लेकिन ये बात तुम्हारे मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। हाँ वो तो है, मैं ईशानी दीदी हमारी जरूर मदद कर सकती है। ईशानी दीदी? वो कैसे? इस बार मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्यों? अच्छा तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं? जाने दो, तुम्हें जो चाहिए वो करो, मैं चली। अरे रुचि, तुम कहाँ चली? दीदी से जाने दो। इसे क्या हुआ? बताओ तो क्या बात है? दीदी आओ बैठो ना। क्या हुआ लेकिन बताओ तो। अरे 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 बैठो ना। बताओ तो हुआ क्या? कहीं झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया तुम दोनों के बीच? नहीं दीदी, वो पता नहीं क्या कहते रहते हैं तुम दोनों हमेशा। वो बिट्टू के आने की तैयारी हो गई? हाँ सारी हो गई, लेकिन सिर्फ एक स्वेटर बुनना बाकी है, लेकिन वो भी रोहन के आने से पहले हो जाएगा। दीदी इसे पहचानने की कोशिश करो। ये क्या है?
ध्यान से देखो। शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। जो कुछ पूछूं उसका सही सही जवाब दो। जो मैं कहूंगा करोगी ना? हाँ, मैं वही करूंगी। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ। तो अब मुझे बताओ कि तुम अपने पति रोहन से आखिरी बार कहाँ मिली थी, कौन से दिन? वो दिन था हमारी मैरिज एनिवर्सरी का। हम सब बहुत खुश थे। रोहन अपने बॉस आकाश को लेकर घर पर आया था। हम हमारी शादी की सालगिरह मना रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। वेल सेड, वेल सेड। Once again, many many happy returns of the day. Thank you very much. शादी की सालगिरह मुबारक हो। रोहन, मैं तुम्हें पहले से कहता हूँ, तुम बड़े खुशनसीब आदमी हो, जो तुम्हें ईशानी जैसे खूबसूरत बीवी मिली है। जनाब, सिर्फ खूबसूरत बीवी से घर नहीं चलता, आप जैसा मेहरबान और कदरदान बॉस भी होना चाहिए, जो हमारी मांगों को पूरा करें। आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो हम बेताब हैं, लेकिन हमारे ख्वाबों को भी हकीकत का रंग दो। क्या है आपके ख्वाब? अगर हमारे बस में होगा तो रोहन आपको नाराज नहीं करेगा। ये बात है। तो रोहन, आज वो ख्वाब पूरा हो जाए। रोहन, क्या तुम जानते हो कि वो क्या चाहते हैं? वो तुम्हें चाहते हैं। अरे यार, मेरे ये तो कुछ भी नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा ना। हाँ, यही तो इस दुनिया का दस्तूर है, और हम इस दुनिया के दस्तूर के दायरे में रहकर ही जीना चाहते हैं। ये हुई ना बात, मतलब हमारी बात। आपकी बात मैं कभी टाल सकता हूँ? हाँ। आपको तो सिर्फ हुक्म करना है। सो तो हमने कर दिया, अब देखना ये है कि हमारे हुक्म का पालन कैसे होता है। वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, आखिर मेरी तमन्ना भी तो बुलंदियों को छूने की है। मैं तो बहुत ऊपर उठना चाहता हूं आप ही की तरह। हाँ, अगर हमारे नक्शे कदम पे चले तो बुलंदियां तुम्हारे कदमों में होगी और किस्मत तुम्हारे हाथों में, पर उसके लिए You're right, sir. और फिर ऐसा मौका बार बार नहीं। अभी आया। ओह डार्लिंग, तुम तो खामखा नाराज हो गई। चलो बाहर चलो। अरे, कुछ घंटे गुजारने से हमारी तकदीर बदल सकती है, तो इसमें अर्जी क्या?
तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी लेकिन मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी बदलने वाले, मेरी इज्जत को दांव पे लगाने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति जो करोड़पति बनने के लिए अपने बीवी से भीख मांग रहा है कि कुछ देर मेरे बॉस को अपना पति बनने का मौका दो। अगर करोड़पति ही बनना है तो अपने दम पर अपनी मेहनत से करोड़पति बनो। अपनी बीवी को जलील करके उसकी इज्जत दांव पे लगा के करोड़पति बनेगा तू? बहुत हो चुका। कुछ हुआ नहीं, जो होगा वो अब होगा। ईशानी तुम कमरे के बाहर गई, फिर क्या हुआ? ईशानी प्लीज बात का जवाब दो, फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि रोहन और आकाश पर कोई वार कर रहा है, कोई उन्हें बेरहमी से मार रहा है। कौन था वो? उसका चेहरा मुझे याद नहीं आ रहा है। ईशानी दीदी, दीदी रुचि, ईशानी दीदी के कहने के मुताबिक उन्होंने खून देखे हैं लेकिन उन्होंने खूनी को नहीं देखा है और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर मारे जा रही है। पर सूरज अंकल के कहने के मुताबिक तो उस रात वो और दीदी डॉक्टर के पास गए थे और जब वो लोग लौट के आए तो जीजाजी और आकाश वहां नहीं थे। अब किसकी बात का विश्वास किया जाए? मुझे तो लगता है सच बात जानने के लिए ईशानी दीदी को एक बार फिर से हिप्नोटाइज करना पड़ेगा और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं दबे हुए राज को बाहर निकाल कर ही रखूंगा। ईशानी दीदी, दीदी, ईशानी, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, नहीं, अरे, चल, नहीं, ईशानी, संभालो, ना, देखो, बॉक्स में आओ, ये तुम्हें क्या हो गया है? देखो, अरे, क्या कर रही हो तुम? ईशानी दीदी तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा भाई हूं विशाल। अंकल 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 ये अंकल ईशानी को देखिए उसके सामने पूछा हो गया। अंकल अपने भाई को मारना चाहती है? अगर भाई जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। क्या ईशानी आगे बढ़ो, किल हिम, आई से किल हिम। आपने ईशानी को? मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। मुझे माफ करना विशाल। ईशानी आगे बढ़ो, किल हिम, अदरवाइज ही विल डिस्ट्रॉय यू। दीदी I say kill him. Yes. No. Kill him, Ishani. Ishani. Didi, man.
कोई शानी। उठो, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? Kill him! उठो ईशानी। अब वो आपकी आवाज नहीं सुन सकती। आप अब आप मेरा कुछ नहीं दिखा सकते। मेरे पास एक सबूत है जो आपको कातिल साबित कर सकता है। ये नहीं हो सकता। मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। मुझ पर तुम्हारा जादू चल नहीं सकता। नो, नेवर। तुम मुझे फंसा नहीं सकते, नहीं फंसा सकते तुम। मैं चाहता हूं कि आप इसे गौर से देखें। इसमें बिट्टू की तस्वीर है। आपके अपने बिट्टू की। आप उसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपको बहुत प्यार करता है। देखिए उसका मासूम भोला भाला चेहरा, उसकी शरारत भरी मुस्कान, उसकी नटखट आंखें। बिट्टू, मेरा प्यारा, मेरा नन्ना बिट्टू, मेरी जान, मेरा वंश, बिट्टू मेरा है, बिट्टू मेरा है। उसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ, उसे आपसे कोई जुदा नहीं करेगा। और आप ध्यान से मेरी आवाज सुनिए। आप सिर्फ मेरी आवाज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप कर रहे हैं ना? हाँ। आपको नींद आ रही है, आप सो रहे हैं, आप सो गए हैं। आपको सिर्फ मेरे सवाल सुनाई देंगे और आप उन सवालों का जवाब देंगे अपने बिट्टू की खातिर। तो सच बताइए, उस रात क्या हुआ? याद कीजिए वो रात, ईशान और रोहन की शादी की सालगिरह की रात। आकाश भी आया था, ईशान और रोहन में झगड़ा हुआ था, फिर क्या हुआ उस रात? बाबूजी, मैंने सब सुन लिया है बेटा। मुझे घिना रही है अपने आप से कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बेटा, रोहन और आकाश में से कोई बड़ा गुनाहगार है तो वो है आकाश। उसी ने रोहन को अपने लालच के जाल में फंसा लिया है और अब वो तुम्हारे शरीर की मांग कर रहा है। आकाश वैसी है, वैसी है वो। बाबूजी, आकाश को मार डालूंगी। आकाश को मार डालूंगी, आकाश को मार डालूंगी बाबूजी। हाँ बाबूजी, मैं आकाश को मार डालूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। हाँ बेटा, तुम ऐसा ही करना बेटा। मेरी तरफ देखो, ध्यान से, मेरी बात शांति से सुनो। सुन रही हो ना? अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। आकाश इस मुसीबत में चढ़े, अगर वो नहीं रहा तो रोहन तुम्हें किसके पास भेजेगा?
इसलिए उसका मर जाना ही बेहतर है। जा, आकाश को खत्म कर दो उसको। जा, उठो, उठो। चार कदम पीछे जा। अब मुड़कर कमरे के बाहर जा। सात कदम पर ड्राइंग रूम है। मैं ऑर्डर देता गया और ईशानी मेरा हुक्म मानती गई। वो उस वक्त मेरे वश में थी और वही कर रही थी जो मैं उससे करवाना चाह रहा था। लेकिन तभी आकाश को बचाने के लिए रोहन बीच में आ गया। सच कहता हूं, मैं रोहन को मरवाना नहीं चाहता था। कोई भी बाप अपने बेटे को मरवाना नहीं चाहेगा, चाहे वो कितना ही आवारा, कितना ही जुल्मी क्यों ना हो। मैं तो रोहन को आकाश के चुंगल से छुड़ाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि आकाश के साथ रोहन भी। हाँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूं। आपने आकाश और रोहन की लाश का क्या किया? उन दोनों की लाश मैंने माली की मदद से बगीचे में दफना, लेकिन जब माली उन दोनों की लाशों को दफना रहा था, तभी माई ने हमें देख लिया। देख बुढ़िया, तूने अभी अभी जो यहां देखा है वो सब भूल जाओ, वरना तेरा और तेरे बेटे का भी यही हाल होगा। लेकिन जब माली ने मुझे बताया कि विशाल माई से मिलकर हमारा राज जानने की कोशिश कर रहा है, तब मैंने ही ईशानी को वश में करके बुढ़िया को मारने भेजा। पर आपने इस बात को छुपा कर क्यों रखा अंकल? क्यों? बिट्टू के लिए। मैं तो उसी रात अपना गुनाह कबूल करके आजाद हो जाना चाहता था, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहता था, मुक्ति पा जाना चाहता था इस दलदल से। लेकिन मैंने सोचा कि मैं और ईशानी तो जेल चले जाएंगे, लेकिन बिट्टू का क्या? यही एक वजह थी जिसके लिए मैं गुनाह पर गुनाह करता था। मैं कबूल करता हूं कि मैं अपराधी हूं, और मेरा यह अपराध फूल से भी ईशानी की जुबान पर ना आ जाए, इसलिए मैंने उसे दोबारा हिप्नोटाइज किया। ईशानी सब भूल गई, उसे सिर्फ इतना याद रहा कि रोहन कभी न कभी वापस आए, और उसे सिर्फ रोहन का इंतजार। विशाल, मैंने अपने स्वार्थ के लिए ना जाने कितनी जिंदगियों में जहर घोल दिया, लेकिन बेटा क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर बाप के सीने में एक स्वार्थी दिल का होना जरूरी? सीढ़ियों से गिर गई थी, मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? चलो चलो। मैं तुम्हारी वजह से कैसे गिर गई? अरे दीदी, छोड़ो ना इन फालतू बातों को। बहुत भूख लगी, चलाना खाने के लिए। नहीं, हर वक्त तुम बनाती हो, तुमने कब से मुझे खिला खिला के इतना मोटा किया?
आज सबके लिए मैं डिश बनाऊंगा। I'll cook something। आज हम खूब धमाल करेंगे, खूब धमाल करेंगे। अरे और वो तुम स्वेटर बोल रही थी ना बिट्टू के लिए, वो तुमने कंप्लीट कर दिया? अरे वो आएगा तो मांगने का ना, तो उसे तैयार करो, उसे तैयार करो दीदी, देखो फिनिश इट। हरी अंकल आप क्या सोच रहे हैं? चीयर अप यंग मैन, चीयर अप। Thank you, my son.